वो टनल तो हमने देख लिया, अब ये बता रहे हैं कि इस साइड पे तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के बाद एक बहुत हिस्टोरिकल एक चर्च है, तो उसको आप विजिट कर लें। तो अब आपको दिखाते हैं, ये उसका एक छोटा सा ट्रैक है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक छोटा सा ट्रैक, नीचे ये सारा फॉरेस्ट। और इस साइड पे मैं आपको दिखाऊं तो ये वही टनल का पैसेज है। तो चलते हैं चर्च की तरफ, व्यूअर्स आपको चर्च दिखाते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स चर्च। तो पाजी ए देखो, ए पता नहीं किस तरह के लोग हैं, ए सारे उत्ते होटल बने हुए हैं, तो ट्रैक के उत्ते गंदगी का ढेर वेखो तुसी, मतलब कुछ शर्म नहीं आती कि क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इस साइड पे एक मुकद्दस मकाम और उसका रास्ता देखें कि किस तरह इन लोगों ने पलीत किया हुआ है, ख़राब किया हुआ है, ये सारा गंद पड़ा हुआ है इनका, वो कौमें अपना गंद नहीं उठा सकती, पता नहीं कैसे वो तरक्की करेंगी आगे। ठीक है जी, हमें जी उसने शऊर दे दिया, हमें इसने शऊर दे दिया, हमने ये डिग्री हासिल कर ली, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तानी हम लोग अपना कचरा नहीं उठा सकते, अपना गंद नहीं उठा सकते, तो दुनिया का बोझ क्या उठाएंगे हम लोग। तो यह देखो जनाब अली, ट्रैक बिल्कुल नैरो होता जा रहा है, ये देखें बड़ा खूबसूरत व्यू है नीचे का, क्योंकि सारा फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, अकेला बंदा मैं, तो पहुँचना पड़ेगा चर्च तक, क्योंकि वापस ट्रैक को भी मैंने कवर करना है। ये फिर जी ये देखें, ये फिर गंद आ गया, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इस ट्रैक को स्किप करूं, बिलीव मी के यकीन करें कि इतनी खूबसूरती है, ये देखें ये टोटली फॉरेस्ट, अगर कोई एनिमल सामने कोई बीस्ट आ गया तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, अकेला सिर्फ अकेला इस ट्रैक के ऊपर मैं। तो क्योंकि अब उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक हिस्टोरिकल चर्च है, तो मैंने कहा यार इसको तो विज़िट मैंने लाजमी करना है। तो वही है ना कि अल्लाह पाक ने जो अपनी खूबसूरती इन कुदरत के नज़ारों में पोशीदा रखी है, तो उसको ढूंढने के लिए आपको निकलना पड़ता है, आपको पैसा लगाना पड़ता है, फिर आपको ये खुशी मिलती है। ये खुशी घरों में नहीं मिलती, ये खुशी दफ्तरों में नहीं मिलती, ये खुशी किसी जगह नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ कुदरत की पोशीदा जगहों में मिलती है आपको। वो आजकल एक साउंड क्लिप है, बड़ा फेमस हुआ हुआ है, हम नबाज आएंगे मोहब्बत से, तो मैं इसको उलट कहता हूँ, हम नबाज आएंगे आवारगी से, जान जाएगी और क्या होगा। पैदल चलने से सांसें थोड़ी सी उखड़ रही हैं, ये जी दुश्वार गुजार रास्ते, ये देखें जी झाड़ियाँ हर तरफ, बड़ा मुश्किल से गुजर जा रहा है। ये आगे एक रॉक जो ऊपर से टूट के गिरी हुई है, इसने रास्ता बंद किया हुआ है, ये देखें ये यहाँ से बड़ा नैरो पैसेज है। मुझे तो आप बिलीव करें कि फेरी मेडोज़ का ट्रैक याद आ रहा है, लेकिन फेरी मेडोज़ का जो ट्रैक है उसमें थोड़ी सी जो है ना, इस साइड पे नीचे इतना फॉरेस्ट नहीं है, वो नीचे से पानी गुजर रहा है, तो इस साइड पे भी इतना फॉरेस्ट नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है, इस तरह का ट्रैक नहीं है उसका, बिल्कुल नंगा ट्रैक है, लेकिन ये तो लश ग्रीनरी है हर साइड पर। ये यहाँ तो बिल्कुल नैरो पैसेज ट्रैक, कोई गलती की गुंजाइश नहीं, अगर आपका थोड़ा सा पाँव स्लिप हुआ तो नीचे बहुत बड़ी खाई है, ये देखें बहुत कम नज़र आ रही है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके जाना पड़ेगा, अल्लाह माफ़ करे। अब जाके ट्रैक कुछ ठीक हुआ है, ये दरख्त देखें जी, ये किसी वक्त भी गिर सकता है,
ये बिल्कुल नीचे से खोखला हो चुका है। यहाँ की छन छन की आवाज आ रही है, क्या है ये? ये जानवर है या कोई आबादी है? अच्छा, ये गोट्स हैं, ये इनकी आवाज थी जी। ये जी आई थिंक के चर्च आ गया है। ये जी चर्च है, देखें माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जगह पे ये बना हुआ है। तो ये तो मुझे कोई रेजिडेंसी लग रही है इनकी। चर्च आगे है थोड़ा सा। घोड़े उस वक्त होते थे जब 1891 में इन्होंने ये टनल बनाई, फिर ये अल्पाइन ट्रैक बनाया इन्होंने, तो उन्होंने अपने लिए ये बनाई होगी अपनी इबादतगाह। तो अब तो क्योंकि यहाँ पे है नहीं, अब ये पूछते हैं यहाँ पे कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी है भी सही, या वैसे ही ये इन्होंने चर्च बना दिया है। अब कोई इसकी लुक आफ्टर तो आखिर कर रहा होगा ना। आगे से रास्ता है, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत जगह। और बहुत खूबसूरत चर्च लग रहा है कि तकरीबन कोई 150 साल पुराना है ये, कम अज़ कम 150 साल पुराना। हमें इस वक्त यहाँ पे कोई इसका केयर टेकर नज़र नहीं आ रहा, अगर कोई नज़र आता है तो इसको खुलवा के हम देख भी लेते हैं। ये देखें जी, काफ़ी अरसे से लगता है बंद पड़ा हुआ है ये इसका मेन गेट है। ये देखें, ये इस साइड पे ये रेस्ट हाउस। तो आगे जगह नहीं है उतरने की, मेरा ख्याल है कि ये एक और ट्रैक जा रहा है, यहाँ से रास्ता है इसका। तो चलते हैं नीचे, कोई आ जाए इसका कोई केयर टेकर तो आपको नीचे खुलवा के दिखाते हैं ये। तो ये था चर्च, तकरीबन कोई टनल से 7-8 मिनट पैदल सफ़र है ये। तो बड़ी अच्छी लोकेशन है ये, आप इसको विजिट करें। ये गेस्ट हाउस इसका बंद पड़ा हुआ है, ये भी कोई इनकी रेजिडेंसी लग रही है कोई। ये जी इसका बैक साइड से इसका व्यू, ये कि इसकी एंट्रेंस, और इस साइड से फिर इसकी एंट्रेंस। नीचे आई थिंक कि इनके घर हैं, जिनके कोई आवाज नहीं आ रही, आवाज दे रहा हूँ कोई भी नहीं है। ये देखें नीचे इनका घर बना हुआ है, धुआं भी निकल रहा है। इनकी अपनी फालतू मुर्गियाँ, ये इनकी बाइक्स, बट नो वॉइस, nobody is here. रिटर्न टू बैक। ये शवाल भाई हैं यहाँ पे, ये चर्च की रखवाली करते हैं, केयर टेकर हैं इसके। तो ये कुछ बताएंगे हमें चर्च के बारे में। तो शवाल भाई, ये इसमें यहाँ पे कोई है क्रिश्चियन कम्युनिटी? नहीं जी, मकामी क्रिश्चियन कोई भी नहीं है। जो भी आते हैं वो गर्मी में आते हैं, तकरीबन अगस्त के महीने से वो आते हैं। वो तकरीबन एक महीने के लिए आते हैं, हफ्ते के लिए एक शहर से आएंगे, फिर हफ्ते के लिए दूसरे शहर से आएंगे, इसका वो टूर करते रहते हैं। अच्छा, तो ये जो रेस्ट गेस्ट हाउसेज बने हुए हैं यहाँ पे, ये रहते हैं यहाँ पे? हाँ, ये जो ऊपर वाला जो गेस्ट है ये इसमें वो रहते हैं, उनके स्टूडेंट वगैरह। और अच्छा, ये जो साथ वाला ये गेस्ट है इसमें उनके टीचर वगैरह रहते हैं। टीचर्स वगैरह रहते हैं जी। ठीक ठीक ठीक। और ये मतलब आप यहाँ कितने अरसे से हैं यहाँ पे स्टे आपका? बस ये चर्च बनने से पहले के ही है। मतलब आप फोर फीचर यहाँ अपने अबाव अजदाद से, ये आपके पास ही इसकी वो आ रही है? सही।
तो अंदर से दिखाएंगे आप हमें, इसका विजिट कराएंगे। आए आपको दिखाते हैं। जी जी, तो आप ये कह रहे थे कि यहाँ पे टीचर्स होते हैं इस जगह पे? जी जी। ये वाली जगह जो है बड़ी खूबसूरत जगह बनी हुई है ये, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं। और अकॉर्डिंग टू शहबाज भाई कि यहाँ पे सिर्फ अगस्त में मीन के लाहौर, मरी या दूसरी जगह से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो यहाँ पे आती है, तो इसको आके यहाँ पे इसकी रौनकें बहाल करते हैं। जी, एक छोटा सा बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ग्रेट शादी। इसका नाम क्या है इसका पूरे? इसका कैथलिक चर्च। कैथलिक चर्च। ये जी यहाँ पे बैठते हैं हमारे क्रिश्चियन भाई, तो यहाँ पे बैठते हैं, तो यहाँ पे इनके आगे इनके वो अपना जो पादरी वगैरह होते हैं वो क्लास करते हैं। अच्छा। ओके ओके। यहाँ पे ये क्लासरूम है जी जी। तो आगे है वहाँ पे इबादत की जगह, तो आप देख रहे हैं जी काफ़ी 150 साल पुराना कदीम ये चर्च, कैथलिक। ये तो सर्दियों में यहाँ पे कोई नहीं आता, बिल्कुल सर्दियों में बिल्कुल बंद होता है, बिल्कुल बंद होता है ये। तो व्यूवर्स आपने देख लिया ये चर्च, हमारे क्रिश्चियन भाइयों की मुकद्दस जगह, यहाँ पे वो अपनी इबादत करते हैं। तो ये जो रूम्स बने हुए हैं ये रूम्स किस लिए होते हैं? ये स्टोर रूम। अच्छा, स्टोर रूम हैं ये, ठीक। तो ये था जी कदीम 150 साल पुराना चर्च, तो आपने देख लिया। तो अब आपसे इजाज़त लेते हैं, चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।